वही सुल्तानपुर डकैती कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 4 किलो चांदी बरामद हुई है। अजय यादव पर 1 लाख का था इनाम। वारदात के बाद से फरार चल रहा था आरोपी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुल्तानपुर पुलिस को आपको बड़ी खबर बता है, जहां पर डकैती कांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजय यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान आपको बता दें, आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अजय यादव उर्फ डीएम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से 4 किलो चांदी बरामद हुई है। अजय यादव पर 1 लाख का इनाम था और वो डकैती कांड के बाद से फरार चल रहा था। आज तड़के एसटीएफ, एसओजी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में अजय पकड़ा गया है। हालांकि उसने पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। को सुबह एसटीएफ को सूचना मिली, पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की, जिस घेराबंदी में पुलिस के ऊपर फायरिंग की मारने के उद्देश्य जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है। और ये जो ठटेरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीब करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें से एक अभियुक्त जो है, जिसका नाम मंगेश है, वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जो लूटपाट की घटना में जितने भी जो ज्वेलरीज गए थे, उसमें से जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो 100% ऑलरेडी बरामद हो चुकी है। जो सिल्वर ज्वेलरीज है उसमें आज को लेकर अप्रोक्सीमेटली 25 किलो बरामद हो चुका है, जो न्यायालय संपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो अजय है वो अंडर ट्रीटमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और बाकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बीते 28 अगस्त को सुल्तानपुर के एक चौक क्षेत्र में हुई डकैती कांड में आज सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयसिंहपुर पुलिस व यूपी एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में आरोपी बताए जाने वाले अजय यादव उर्फ डीएम को आज मुठभेड़ के दौरान ऑपरेशन लंगड़ा में गिरफ्तार किया गया है, जिसका इलाज सुल्तानपुर के सोसासी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जो कि पीछे ही हमारे उसका इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में सर्राफ के यहाँ हुए डकैती कांड के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग पे एक बड़ा सवाल लग रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, सुल्तानपुर पुलिस ने एक एसटीएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अभी तक टोटल 9 अभियुक्त डकैती से जुड़े जो बताए जाते थे, उनकी पुलिस ने अरेस्टिंग भी कर ली है और उनके पास से रिकवर हुए ज्वेलरीज को भी रिकवर किया गया है। आज अजय यादव के पास से लगभग 4 किलो की चांदी भी रिकवर की गई है। उसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। सुल्तानपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी, जेएमडी न्यूज़।